नमस्कार, कंपटीशन कम्युनिटी के कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स प्रोग्राम में मैं पुखराज गिरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो 1 से लेकर 15 तारीख मई के महीने का करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर मैं आप सभी के सामने आ चुका हूं। कुछ लोगों को शायद अभी तक समझ में नहीं आया होगा ट्रेंड, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी महीने में 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक का जो करंट अफेयर्स है उसे मैं 16 या 17 तारीख को क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वैसे ही 16 तारीख से लेके मान लेते हैं कि 30 या 31 जो भी हो, फरवरी हो तो 28, तो उस कंडीशन में 16 तारीख से लेके 30, 31 या फरवरी हो तो 28, इसका जो करंट अफेयर्स है उसे 1 या 2 तारीख तक अगले महीने मैं अपलोड कर दूंगा। मई के एग्जाम्पल को लेके समझाता हूं, तो 1 मई से 15 मई इस तक के करंट अफेयर्स को मैं आज 17 मई को लेकर आ रहा हूं। ठीक है, वैसे ही 16 मई से लेके अब मई जो है वो 31 का है, तो 31 मई तक के करंट अफेयर्स को मैं 1 या 2 जून को लेकर आ जाऊंगा। तो याद रखना, या तो हर महीने के 16-17 को या हर महीने के 1 और 2 तारीख को आपको क्या मिलेगा, 15-15 दिन का करंट अफेयर्स जो है वो मिलता रहेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आप सभी समझ गए हैं, तो बिना टाइम को वेस्ट करे शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाती है खाली स्लाइड, और खाली स्लाइड में मैं बताऊंगा एक साहित्यकार, तो समझते जाना। सबसे पहले ध्यान रखना, 2 भगवान हैं, एक है श्याम और दूसरे राम। तो भगवान श्याम और भगवान राम, दोनों ही भगवान कैसे हैं, बहुत, तो भगवान दोनों बहुत भोले हैं। ठीक है कि नहीं, दोनों भगवान से हमको क्या करना है, माया करना है, और दोनों भगवान में हमको क्या चढ़ाना है, तो भोग में लाई। तो श्याम और राम 2 भगवान, दोनों भोले, दोनों से माया करो और क्या चढ़ा दो, लाई चढ़ा दो, किसमें, तो भोग में। ठीक है भाई, अब देखते हैं। तो सबसे पहले साहित्यकार हैं श्याम से पंडित, श्याम लाल चतुर्वेदी। पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी कौन है, तो साहित्यकार हैं। अब इनकी रचनाएं देखना, तो राम से है राम वनवास, तो पहली रचना राम वनवास। दूसरी भोले से याद रखना, भोलवा भोला राम बनिस, भोलवा भोला राम बनिस, दूसरी रचना। तीसरी रचना माया के मोटरी, क्या है तीसरी रचना, माया के मोटरी। और चौथी है पर्रा भर लाई। तो 4 रचनाएं, राम वनवास, भोलवा भोला राम बनिस, माया के मोटरी और पर्रा भर लाई। तो साहित्यकार पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, रचनाएं ये 4 हमने देख ली। एक चीज ध्यान रखना, एक फेमस छत्तीसगढ़ी गीत है, बेटी के बिदा, ध्यान रखना ये गीत कहां पर संग्रहित है, तो पर्रा भर लाई इनकी जो रचना है, कौन सी रचना, पर्रा भर लाई, असल में एक काव्य संग्रह है। क्या है, काव्य संग्रह, इसी में है ये बेटी के बिदा। आई होप आप लोग क्या हुए, समझ गए। चलिए, तो यहां पर हमने क्या कर लिया, तो हमने एक साहित्यकार को देख लिया और उनकी रचनाओं को भी हमने क्या किया, तो देख लिया। ठीक है भाई, अब इसके बाद क्या किया जाए, तो अब इसके बाद आ जाया जाए सीधा किस पे, लास्ट जो वीडियो थे उसके प्रश्नों पर, क्वेश्चंस पर। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है माता कौशल्या महोत्सव के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए जो सत्य नहीं है, रॉन्ग है। अब ऑप्शन में देखो ए क्या कह रहा है, तो 22 अप्रैल से 24 अप्रैल तक चंदखुरी में इसका आयोजन किया गया। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, हाँ 22 अप्रैल से 24 अप्रैल तक चंदखुरी में इसे आयोजित किया गया था करके, ठीक बात है। नेक्स्ट, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी, तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इसकी अध्यक्षता कौन किए हैं, तो श्री अमरजीत
सिंह भगत जो कि संस्कृति मंत्री हैं, इन्होंने की थी अध्यक्षता, न कि मुख्यमंत्री जी ने, इसलिए असत्य क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड, वित्तीय वर्ष 2022-23 में किस खनिज का खनिज राजस्व में सर्वाधिक योगदान था? तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वर्ष 2022-23 के लिए एटलीस्ट दो खनिजों का याद रखना, जो कि फर्स्ट रैंक और सेकेंड रैंक के रूप में, फर्स्ट रैंक में लौह अयस्क, इंग्लिश में आयन ओर, इसका राजस्व था 3607 करोड़ रुपए, 3607 करोड़ रुपए। और सेकेंड रैंक में याद रखना क्या, तो कोयला, इंग्लिश में कोल, और इसका राजस्व 22-23 के लिए क्या याद रखना, 3336 करोड़ रुपए, 3336 मतलब 3336 करोड़ रुपए। क्लियर है कि नहीं? तो क्या पूछा है, सर्वाधिक योगदान, तो सर्वाधिक क्या है, लॉयस्क, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की ग्राम पंचायत नागम को किस श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया? तो मैंने आपको लास्ट वीडियो और उससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि छत्तीसगढ़ के दो पंचायत है, एक का नाम है क्या, साकरा, और दूसरे का नाम क्या है, नागम। नागम जो है कौन से जिले में है, सरगुजा जिले में। साकरा कौन से जिले में है, धमतरी जिले में। साकरा जो है उसे नेशनल अवार्ड मिला किस कैटेगरी में? तो मिला है स्वस्थ पंचायत की कैटेगरी में, इंग्लिश में बोलेंगे इसे हेल्दी पंचायत की कैटेगरी में। और नागम जो है उसे गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका संवर्धन की श्रेणी में, इंग्लिश में इसे कहते हैं पॉवर्टी फ्री एंड एनहांस्ड लाइवलीहुड, इस कैटेगरी में। समझ में आया कि नहीं आया? तो इंग्लिश में गरीबी उन्मूलन आजीविका संवर्धन कैटेगरी को क्या कहा गया है, पॉवर्टी फ्री एंड एनहांस्ड लाइवलीहुड। किसे मिला है, नागम को। समझ में आया कि नहीं आया? तो नागम को किस श्रेणी में, गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका संवर्धन। सांकरा को किस श्रेणी में, स्वस्थ पंचायत की श्रेणी में। नेक्स्ट, स्टेटस ऑफ विमेन पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो श्रीमती आभा प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, इसको हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। और पांचवा और अंतिम क्वेश्चन क्या था, कैच देम अर्ली, इसका संबंध किससे है? तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था इसका संबंध वन एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता से है, अवेयरनेस टुवर्ड्स फॉरेस्ट्स एंड एनवायरमेंट, इससे रिलेटेड है, कैच देम अर्ली। ठीक है कि नहीं? मेरे हिसाब से लास्ट वीडियो के जो क्वेश्चंस थे ये अच्छे से आप सॉल्व कर पाए होंगे, समझ भी गए होंगे। अब क्या करें, तो ये जो 1 से लेकर 15 तारीख तक का समय है, इसमें से जो इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको पकड़ के एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, सुरक्षित गर्भपात सेवाओं में नवाचार के लिए छत्तीसगढ़ को क्या मिला है, प्रथम पुरस्कार, मतलब फर्स्ट प्राइज मिला। ठीक है भाई, सुरक्षित गर्भपात सेवाएं मतलब सेफ एबॉर्शन फैसिलिटीज, इसमें नवाचार करने के लिए मतलब इनोवेशन करने के लिए छत्तीसगढ़ को क्या मिला है, फर्स्ट प्राइज। अब कुछ लोग का दिमाग घूम गया होगा, एबॉर्शन ये तो इलीगल है, तो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना, हमारे देश में सुरक्षित गर्भपात जो सेवा है उसकी निगरानी के लिए, मतलब सेफ एबॉर्शन फैसिलिटीज जो हैं उसकी निगरानी के लिए MTP के नाम से एक अधिनियम है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। समझ में आया? तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है वही एक्ट डिटेल में बताता है कि कौन सी महिला किस कंडीशन में
अबॉर्शन करा सकती है या नहीं करा सकती। तो कंडीशन फुलफिल होती है तब तो ठीक है अबॉर्शन हो जाएगा, और नहीं तो फिर अबॉर्शन क्या है, इलीगल है। तो इसको पढ़ के ये मत समझना कि हम लोग सेफली अबॉर्शन करा रहे हैं और इसलिए छत्तीसगढ़ को जबरदस्त इनोवेशन करने के चक्कर में फर्स्ट प्राइज मिल गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अबॉर्शन होता है लेकिन एमटीपी अधिनियम के अंतर्गत, समझ में आया? तो भारत में लागू है एमटीपी अधिनियम, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, और उसी के अनुसार जो पात्र महिलाएं हैं सिर्फ उन्हें ही परमिशन मिलती है क्या करने की, प्रेगनेंसी को मेडिकली टर्मिनेट करने की या एबॉर्ट करने की। अब इसमें भी हम लोगों के द्वारा एक इनोवेशन किया गया है जिसके लिए पुरस्कार मिला है, ठीक है भाई? तो पहले इनोवेशन क्या है बता देता हूं और उसके बाद पुरस्कार कहां मिला इन सब चीजों को देखते हैं। तो इनोवेशन क्या था, तो इनोवेशन है एक एप्लीकेशन जिसका नाम है ई कल्याणी। क्या नाम है? ई कल्याणी। और इस एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे राज्य में क्या किया जा रहा है, तो एमटीपी अधिनियम जो है इसकी निगरानी और इसके पालन के लिए ही है ये ई कल्याणी एप्लीकेशन। तो एमटीपी एक अधिनियम तो बना दिया गया, अब उस अधिनियम की निगरानी के लिए, उस अधिनियम का पालन हो रहा है कि नहीं इसे देखने के लिए है ये ई कल्याणी एप्लीकेशन। कौन सा एप्लीकेशन? ई कल्याणी एप्लीकेशन। ई कल्याणी एप्लीकेशन में हमारे राज्य के लगभग 136 प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, ठीक है कि नहीं, समझ गए? तो एमटीपी अधिनियम है जिसके माध्यम से एबॉर्शन का परमिशन मिलता है सर्टेन केसेस में, और उसी एमटीपी अधिनियम के पालन और निगरानी के लिए ई कल्याणी एप्लीकेशन हम लोगों ने क्या कर दिया, बना दिया, ठीक है कि नहीं? अब ये जो एमटीपी अधिनियम है वही सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को जो कि गर्भपात के लिए पात्र हैं उन्हें सुरक्षित गर्भपात की सेवाएं मिले। समझ में आया कि नहीं आया? तो आई होप आप ई कल्याणी एप्लीकेशन जो है उसके बारे में बहुत अच्छे से समझ गए। तो इनोवेशन क्या था, तो सुरक्षित गर्भपात के लिए हमारे यहां पर क्या है, एक एप्लीकेशन है ई कल्याणी। अब इस एप्लीकेशन के माध्यम से गर्भपात नहीं होता है, लेकिन जिस अधिनियम के माध्यम से गर्भपात किया जा रहा है या उसकी परमिशन मिली है उसकी निगरानी के लिए ई कल्याणी एप्लीकेशन है, जो कि हमारे यहां इनोवेशन है, नवाचार है। आई होप समझ गए होंगे, ठीक है कि नहीं? अब देखिएगा है क्या, ये जब इनोवेशन हुआ इसके बाद क्या हुआ, तो नई दिल्ली में नेशनल कंसल्टेशन ऑन कॉम्प्रिहेंसिव एबॉर्शन केयर, समझ में आया कि नहीं आया, ये एक कार्यक्रम हुआ, हिंदी में कहें गर्भपात देखभाल पर राष्ट्रीय परामर्श कार्यक्रम, समझ में आया कि नहीं आया? अब ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम कब हुआ है, तो हुआ है 24 और 25 अप्रैल, 24 और 25 अप्रैल को एक कार्यक्रम हुआ। क्या नाम था? नेशनल कंसल्टेशन ऑन कॉम्प्रिहेंसिव एबॉर्शन केयर, ठीक है कि नहीं? गर्भपात देखभाल पर राष्ट्रीय परामर्श कार्यक्रम 24 से 25 अप्रैल, ठीक है कि नहीं? और किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, लिख देता हूं यहां पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके द्वारा यह कराया गया कार्यक्रम। और इसी कार्यक्रम में इसी नवाचार के लिए छत्तीसगढ़ को क्या दिया गया, प्रथम पुरस्कार दिया गया, ठीक है? आई होप ये डिकोड करके मैंने आपको बता दिया क्या हुआ है। अब समझिएगा अच्छे से प्री और मेंस के क्वेश्चन। सबसे पहले प्री में आपसे पूछ लेगा कि सुरक्षित गर्भपात सेवाओं में नवाचार के लिए छत्तीसगढ़ को कौन सा पुरस्कार मिला, पहला तो फर्स्ट प्राइज मिला। सेकंड क्वेश्चन, ये पुरस्कार जो है किस मंत्रालय द्वारा दिया गया, तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, ठीक है कि नहीं? ये बन गया सेकेंड क्वेश्चन। मेंस की बात करो
तो मेंस में आपको सीधा सीधा पेपर नंबर 4 जो है उसमें टेक्नोलॉजी वाला जो सेक्शन है वहां से ई कल्याणी ऐप को पूछ देगा कि ई कल्याणी ऐप जो है इसको 30 वर्ड्स में आप क्या करिए बताइए, ठीक है कि नहीं। तो ध्यान अच्छे से रखना, ई कल्याणी एप्लीकेशन क्या करता है, तो MTP अधिनियम के पालन और निगरानी का काम करता है ये ई कल्याणी एप्लीकेशन, और MTP के माध्यम से सुरक्षित गर्भपात की सेवाएं मिलती हैं, ठीक है ना। इसलिए यहां पर लिखा है सुरक्षित गर्भपात की सेवाएं की उपलब्धता और MTP के पालन और निगरानी, तो MTP के पालन निगरानी और MTP के ही अंदर मिल रहा है सुरक्षित गर्भपात की सेवा, तो एक ही बात है, कान को ऐसे नहीं ऐसे पकड़ लिया, एक ही मतलब है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं भाई, छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग, यह है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, कौन मंत्री हैं जी, तो श्री उमेश पटेल जी। तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा विभाग है, इसको राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लेवल पर स्कॉच सिल्वर अवार्ड मिला है, क्या मिला है, स्कॉच सिल्वर अवार्ड, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना उच्च शिक्षा विभाग है जो हमारा, उसका प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट असेसमेंट एंड एक्रेडिशन, क्या है प्रोजेक्ट असेसमेंट एंड एक्रेडिशन, इसको स्कॉच सिल्वर अवार्ड मिला है, क्या मिला है इसे स्कॉच सिल्वर अवार्ड मिला है, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट असेसमेंट एंड एक्रेडिशन जो है वो क्या है, तो बेसिकली हुआ ये कि हमारी जो राज्य सरकार है वो चाहती है कि जल्दी से जल्दी NAAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशन काउंसिल से संबद्धता को प्राप्त करने का अभियान जो है वो चलाया जाए। अब ये अभियान ऑलरेडी चल रहा है, तो हमारी राज्य सरकार क्या कर रही है, तो NAAC से एक्रेडिशन लेने का अभियान चला रही है। इसके लिए कुल 211 अर्हता प्राप्त मतलब एलिजिबल जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें से 197 गवर्नमेंट कॉलेजेस को NAAC से मूल्यांकन कराया जा चुका है, और इसको कराने के लिए छत्तीसगढ़ देश में क्या है सर्वोच्च स्थान पर है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो सोच रही है जल्दी से जल्दी नेशनल असेसमेंट एक्रेडिशन काउंसिल NAAC से क्या किया जाए, तो एक्रेडिशन लिया जाए। इसके लिए 211 गवर्नमेंट कॉलेज क्या थे एलिजिबल थे, जहां पर ऑलरेडी 197 गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या किया जा चुका है, तो NAAC से मूल्यांकन कराया जा चुका है। अब ये क्यों कराया जा रहा है, तो बेसिकली राज्य सरकार ये चाह रही है कि हमारे राज्य में उच्च शिक्षा जो है हायर एजुकेशन उसके स्तर में और उसकी गुणवत्ता में क्या किया जाए, तो इजाफा किया जाए, उसको और क्या किया जाए, तो इम्प्रूव कर लिया जाए। तो हमारे यहाँ पर हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम चाह रहे हैं कि NAAC के जो निर्धारित मापदंड हैं उसके अनुरूप हमारे यहाँ पर शैक्षणिक अधोसंरचना एडुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम क्या कर सकें डेवलप कर सकें, और इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि NAAC के स्तर पर हम लोग क्या कराएं, तो डेवलपमेंट कराएं, ताकि NAAC वाले एक्रेडिशन दे आकर कॉलेजेस में मूल्यांकन करें, तो शिक्षा का स्तर जो है वो क्या होगा बढ़ जाएगा। अब जब शिक्षा का स्तर बढ़ जाएगा तो छात्र जो है वो जहां से पढ़ेगा तो उस पढ़ाई भी अच्छी होगी, और साथ में नए छात्र क्या होंगे तो आकर्षित भी होंगे उन कॉलेजेस के प्रति जिनमें NAAC का क्या है मूल्यांकन है, ठीक है। अब सरकार का जो प्रयास है उसका नतीजा भी आ रहा है, नतीजा यह है कि छात्रों की संख्या जो है वो लगातार क्या हो रही है कॉलेजेस में बढ़ रही है, और इसी के कारण लगभग पिछले 4 सालों में 33 नए शासकीय मतलब गवर्नमेंट और 76 अशासकीय कॉलेजेस स्थापित किए गए हैं, अशासकीय मतलब नॉन गवर्नमेंट, तो 33 गवर्नमेंट 76 नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस की क्या की गई है स्थापना की गई है इसीलिए, ठीक है। न्यूज की बात करूं तो इंपॉर्टेंस जो है अगर प्री की बात करोगे तो पूछ लेगा भाई कि स्कॉच सिल्वर अवार्ड उच्च शिक्षा विभाग के किस प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट असेसमेंट एंड अक्रेडिशन, अगर विभाग बोले तो उच्च शिक्षा विभाग, तो ऐसे 2 क्वेश्चन आपको प्री में बन सकते हैं।
मेंस में अगर शिक्षा से संबंधित कोई ऐसे आ जाए तो उस कंडीशन में आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं कि हायर एजुकेशन में क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो NAAC से मूल्यांकन करा रही है यहाँ के कॉलेजेस का, ताकि उनके शिक्षा और गुणवत्ता का जो स्तर है उसमें क्या हो सके, सुधार हो सके। ठीक है भाई, नेक्स्ट। अब ये थोड़ा सा प्री टाइप का ही ज्यादा है, ध्यान रखना कि वर्ष 2025 तक छत्तीसगढ़ को कॉर्नियल दृष्टिहीनता ओपेसिटी से मुक्त करना है। ठीक है, तो कॉर्नियल ओपेसिटी या कॉर्नियल दृष्टिहीनता से क्या करना है, मुक्त करना है छत्तीसगढ़ को। कब तक? तो वर्ष 2025 तक। तो पिछले एक वर्ष में लगभग हमारे राज्य छत्तीसगढ़ में 1,35,000 से भी अधिक मोतियाबिंद के क्या किए गए हैं, ऑपरेशन कराए गए हैं, 1,35,000 से भी अधिक। ठीक है कि नहीं? उसके बाद प्रदेश में अब तक सर्वाधिक मोतियाबिंद के क्या है, ये ऑपरेशंस हैं। और टारगेट के अनुरूप ध्यान रखना, मैक्सिमम मोतियाबिंद के ऑपरेशन वाले जिलों में रायपुर फर्स्ट है, टारगेट के अनुरूप मैक्सिमम ना, तो टारगेट के अनुरूप मैक्सिमम मोतियाबिंद कैटरैक्ट ऑपरेशंस में रायपुर फर्स्ट है, सूरजपुर सेकंड है और बलौदा बाजार थर्ड रैंक पर है। तो हमने क्या देखा, कॉर्नियल दृष्टिहीनता मुक्त कब तक कर देना है, तो भैया 2022 तक कर देना है छत्तीसगढ़ को। पिछले एक वर्ष में 1,35,000 से अधिक मोतियाबिंद के ऑपरेशंस हुए हैं, ठीक है, जो कि सर्वाधिक थे, और जो टारगेट दिया गया है उसकी अपेक्षा में सर्वाधिक ऑपरेशंस में फर्स्ट रायपुर रहा है, सेकंड सूरजपुर, थर्ड बलौदा बाजार भाटापारा डिस्ट्रिक्ट। अगर बात करें तो एक्सपेक्टेशन, इसमें से प्रश्न सिर्फ और सिर्फ किसमें, प्री, जिसमें सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि कॉर्नियल दृष्टिहीनता मुक्त बनाने का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को किस वर्ष तक है, तो वर्ष 2025 तक। तो इस क्वेश्चन को आप क्या कर लेना, रेडी कर लेना। ठीक, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के 3 शहीद जवानों को सर्वोच्च बलिदान के लिए क्या किया गया है, कीर्ति चक्र। ठीक है भाई, तो कौन कौन 3 शहीद जवान? तो सबसे पहले शहीद उप निरीक्षक श्री दीपक भारद्वाज, उप निरीक्षक मतलब सब इंस्पेक्टर। उसके बाद शहीद प्रधान आरक्षक श्री सोढ़ी नारायण, प्रधान आरक्षक मतलब क्या हो गया, हेड कांस्टेबल। और शहीद एसटीएफ प्रधान आरक्षक, प्रधान आरक्षक मतलब हेड कांस्टेबल, किसमें, एसटीएफ में, तो कौन थे, श्री श्रवण कश्यप। बेसिकली इन्होंने क्या किया, तो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। ठीक है, नहीं हुआ ये था कि बीजापुर जिले में हुए नक्सल ऑपरेशन में इन्होंने क्या किया था, सर्वोच्च बलिदान। सर्वोच्च बलिदान क्या हो सकता है भाई, तो सर्वोच्च बलिदान हो सकता है अपने जीवन का बलिदान, जीवन से बड़ा तो कोई बलिदान नहीं दे सकता ना। तो ये हमारे देश के ऐसे वीर सपूत हैं जिन्होंने क्या किया, अपने प्राण ही न्योछावर कर दिए, सर्वोच्च बलिदान दे दिया। और इसीलिए हुआ क्या कि इनके जो परिजन हैं उन्होंने रिसीव किया कीर्ति चक्र। क्या रिसीव किया इनके परिजनों ने, कीर्ति चक्र। कहां पर, तो ये हुआ दिल्ली में, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ही ये कीर्ति चक्र इनके परिजनों को क्या किया गया, दिया गया और सम्मानित किया गया। ठीक है कि नहीं? चलिए, अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो सीधा सीधा नाम ध्यान रखिएगा, आपको पूछ लेगा कि कीर्ति चक्र किन्हें किन्हें प्राप्त हुआ है करके, तो सीधा ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखने में मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, भूटान में आयोजित द्वितीय विश्व मलखंब चैंपियनशिप में अबूझमाड़ के 3 खिलाड़ियों ने क्या किया, स्वर्ण पदक जीता। तो ध्यान रखना, 9 से लेकर 12 मई 2023 तक भूटान में सेकेंड वर्ल्ड मलखंब चैंपियनशिप जो है वो आयोजित की गई। भारत, जापान, अमेरिका, ऐसे कई देशों से लगभग 200 खिलाड़ियों ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। कैसे कैसे देशों से, तो भारत, जापान, अमेरिका आदि, ऐसे देशों से लगभग 200 खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 9 से 12 मई तक हुआ, कहां हुआ, भूटान में हुआ, सेकेंड वर्ल्ड मलखम चैंपियनशिप। ठीक है,
अब इसमें इंडिया की नेशनल टीम से खेलते हुए संतोष शोरी, संताय पुटई और जयंती कचलाम, बेसिकली ये तीनों कहां के, अबूझमाड़ मतलब बस्तर। तो ये जो तीनों खिलाड़ी हैं इंडिया की नेशनल टीम से खेलते हुए, इनको क्या मिला, तो स्वर्ण पदक मिला, या इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, ठीक है कि नहीं। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस को देखोगे तो सबसे पहले पूछेगा आपको कि सेकेंड वर्ल्ड मलखम चैंपियनशिप कब से कब तक आयोजित, पहला क्वेश्चन। फिर पूछेगा कहां आयोजित, सेकेंड क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ से कितने खिलाड़ियों को क्या हुआ, स्वर्ण पदक, तो तीन खिलाड़ी, थर्ड क्वेश्चन। फिर पूछेगा खिलाड़ी कौन से जिले से थे, अबूझमाड़, ये चौथा क्वेश्चन बन सकता है। पांचवा क्वेश्चन खिलाड़ियों के नाम पूछ देगा, संतोष सोरी, संताय पुटई, जयंती कचला, ठीक है कि नहीं। तो इस न्यूज से ऐसे पांच प्रकार के घुमावदार प्रश्न जो है आपको किसमें देखने को मिल सकते हैं, तो प्री में या किसी भी वनडे एग्जामिनेशन जिसको आप देख रहे हैं या दे रहे हैं उसमें देखने को मिल सकता है, ठीक है कि नहीं। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो आ जाते हैं कुछ विविध तथ्यों पर। तो ध्यान रखना, पहले मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 18वीं छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कांग्रेस 2023 के शुभ आरंभ समारोह में राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में क्या हुए, शामिल हुए। अब ये जो कांग्रेस है ये 3 और 4 मई को आयोजित किया गया था, ठीक है, छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कांग्रेस 2023 3 और 4 मई को आयोजित। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में डॉक्टर गितेश कुमार अमरोहित की पुस्तक कौन सी, बासी, इसका विमोचन किया, तो एक क्वेश्चन ये हो सकता है, ठीक है भाई। तो ये एक क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि 18वीं छत्तीसगढ़ की यंग साइंटिस्ट कांग्रेस 2023 का आयोजन कहां हुआ, रायपुर, कब से कब तक हुआ, तो इस प्रकार के दो क्वेश्चन। फिर पूछेगा कि बासी पुस्तक के लेखक कौन, तो डॉक्टर गितेश कुमार अमरोहित, तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। फिर छत्तीसगढ़ भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रियल एस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी रेरा के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं सी श्री संजय शुक्ला जी, तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो अमूमन विविध वो तथ्य हैं जो कि सीधा एमसीक्यू के फॉर्म में आपको क्या कर सकते हैं, देखने के लिए कहीं भी मिल सकते हैं। तो इसी के साथ ये जो वीडियो था इसके जो मेन सेक्शंस थे वो खत्म हो जाते हैं, वीडियो को एंड करते हैं हम कुछ प्रश्नों के साथ। सुरक्षित गर्भपात सेवाओं में नवाचार के लिए छत्तीसगढ़ ने कौन सा स्थान हासिल किया, पहला क्वेश्चन है। सेकंड है, छत्तीसगढ़ के किस विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च बलिदान के लिए कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है। फोर्थ क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पुस्तक बासी का विमोचन किया, इसके लेखक हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, किस वर्ष तक छत्तीसगढ़ को कॉर्नियल दृष्टिहीनता मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये 5 क्वेश्चन हैं, आप सभी से निवेदन है कि इन 5ों प्रश्न का क्या करिए, प्रश्नों को सॉल्व करके उसके जो आंसर्स हैं उसको कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, ठीक है। चलिए, तो ऐसे ही अगली वीडियो के साथ मुलाकात करूंगा मैं आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।